अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट। तो दोस्तों उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। दूसरी चीज़ ये कि अगर मेरा दूसरा चैनल जो दी हैदर शो के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर वीडियो में कह रहा हूँ प्लीज़ मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर दो यार। कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छा करने की और आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ भी अच्छी होती जाएंगी उस पर। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो haider.a.shah इंस्टाग्राम पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप मेरा भी बंद है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, इंशाल्लाह जल्द से वो भी ओपन हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है इसको सिम निकलवानी है मुझे, वो इंशाल्लाह करवा के आप लोगों सबके साथ शेयर करूँगा मैं। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि कंपैरिजन करेंगे हम बकरों का आपस में कि कौन सी ब्रीड ज़्यादा अच्छी है। अक्सर आप लोग मुझसे पूछ रहे थे यार ब्रीड कौन सी पालनी है, ब्रीड कौन सी नहीं पालनी है। तो अब मैंने सोचा कि टक्कर की जो दो ब्रीडें होंगी उनका आपस में एक दिन कंपैरिजन करके दिखाएंगे कौन सी ब्रीड एक दूसरे ज़्यादा बेहतर है किस चीज़ में। कि कोई दूध में ज़्यादा बेहतर है वो बच्चे ज़्यादा देती है, कोई वेट में ज़्यादा अच्छी है तो कोई खूबसूरत ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या बेनिफिट्स है, कौन सी ब्रीड ऐसी सब कुछ मिलेगा, कौन सी ब्रीड ऐसी जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और सबका अपना अपना शौक होता है, ये तो सबकी शौक की बात है। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा जो मेन चीज़ है हमारी आज, गुलाबी और पटेरी सबसे बड़ी सिंध की दो ब्रीड्स आज लड़ेंगी इंशाल्लाह। और मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को कि कितना एक बकरी या बकरा जो है वो किस चीज़ में अच्छा है, गोश्त में कौन सा बकरा अच्छा है, दूध में कौन सा बकरा अच्छा है, खूबसूरती में कौन सा बकरा अच्छा है, डिमांड में कौन सा बकरा अच्छा है। तो पटेरी और गुलाबी को देखते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुलाबी बकरी से। गुलाबी बकरा जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में कराची वालों की नज़र में, सही है। और ये ओवरऑल सिंध में पाया जाता है। अच्छा इसकी क्या खासियत है, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके दूध की। जो इसकी बकरी होती है वो ऐसी बकरियाँ भी गुलाबियों में पाई गई हैं जो एक दिन में 3 लीटर दूध देती हैं दो टाइम। ऐसी बकरियाँ भी गुलाबियों में पाई गई हैं जो मैंने अपने उस्तादों से पूछा, अपने पूरी नॉलेज मैंने पूछा, जितने लोग पालते हैं उनसे पूछा जाके तो मुझे जो इनके बारे में नॉलेज मिलती थी, जो मेरे दोस्त हैं वो शौक करते हैं अलग अलग नस्ल का ब्रीड का, तो उनमें मैंने पूछा कि गुलाबी बकरी एक मैक्सिमम दूध कितना दे सकती है। तो उन्होंने कहा यार 3 लीटर भी मैक्सिमम दूध देती है ये, वैसे आप 2.5 लीटर लगाओ या 2 लीटर लगाओ तो एक गुलाबी बकरी 2 लीटर दूध दे सकती है, अच्छी गुलाबी बकरी अगर उसकी देखभाल अच्छी की जा रही हो तो। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है अगर दिन में दो टाइम ये इतना दूध दे रही है बकरी तो। अच्छा दूसरी तरफ इसी के साथ दूसरी तरफ हम चले जाते हैं अपनी पटेरी ब्रीड पे। तो पटेरी ब्रीड जो है दोस्तों वो मैंने जो सुना है एक दिन में 2 टाइम जो देती है 1 लीटर दूध देती है, और ज़्यादा अच्छी बकरी जो होती है वो 1.5 लीटर दूध देती है एक टाइम में, पटेरी की बता रहा हूँ। अच्छा इन दोनों का नाम में क्या फ़र्क है, ये गुलाबी गोट जो है बेसिकली ये पिंक जो हम इसका कलर होता है उसके नाम से इसका नाम रखा गया है, जबकि ये जो पटेरी है इसको सिंधी में इसका मतलब होता है बेल्ट, सही, जिसकी गले में पट्टा होता है। तो ये ब्राउन कलर का जो पट्टा होता है इनके गर्दन पे इसकी वजह से ये पटेरी कहलाते हैं। वैसे इन दोनों की तकरीबन एक जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप इनके नाप झालर की बात करें तो मेरे हिसाब से नाप झालर में ज़्यादा खूबसूरत जो बकरे होते हैं वो बकरे होते हैं गुलाबी, क्योंकि इनकी जो गर्दन की यहाँ की खाल होती है ना आपकी, जो नेक की स्किन लटकती है इनकी, वो नॉर्मल जो पटेरी बकरे होते हैं उनमें नहीं इतनी ज़्यादा लटकती है। और कान इनके तकरीबन सेम होते हैं क्योंकि पटेरी के थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं तो इनके थोड़े से छोटे होते हैं पटेरी के मुकाबले में। अच्छा दूसरी चीज़ ये, अब आ जाते हैं सिंगों पे, सही है। अब देखते हैं सिंगें किसकी अच्छी हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सिंगें ज़्यादा अच्छी होती हैं पटेरी बकरे की, जितनी मैंने देखी पिक्चर्स देखी वीडियोज़ देखी काफ़ी सारी हज़ारों वीडियोज़ देखी मैंने दोनों की, तो मुझे उसमें अंदाज़ा हुआ कि जितने ज़्यादा सिंग अच्छे पटेरी बकरे के हैं और जितने अच्छे डिज़ाइन में निकलते हैं गुलाबी बकरों के डिज़ाइन में, कभी गुलाबी बकरों के सिंग यूँ निकलते हैं क्योंकि क्रॉस लग के ब्रीड बनी है गुलाबी, पटेरी ब्रीड ओरिजिनल ब्रीड है, सही है। तो ये मैं बता दूँ नवाबशाह हैदराबाद की ब्रीड क्या है पटेरी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये। और जो गुलाबी ब्रीड है दोस्तों वो कामोरी से क्रॉस होकर निकली है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब कामोरी और गुलाबी का या राजनपुरी का टकराव होगा तो आपस में इंशाल्लाह बताएंगे उसमें आपको। अभी फिलहाल हम रहेंगे सिर्फ गुलाबी और पटेरी पर। तो इस वक्त इनकी ये है। अच्छा अब वेट पर वज़न पर आ जाएँ तो वज़न में दोस्तों वेट जो बढ़ाते हैं ज़्यादा अच्छे गुलाबी बकरे बढ़ाते हैं, लेकिन हजूम में बढ़े अगर आपने अच्छे पटेरी बकरे देखे हों, जैसे शेरा जो है पटेरी ब्रीड का बकरा है, तो इनके कुदरती अगर अच्छे माँ बाप हों, इनके ओरिजिनल पटेरी माँ बाप हों, तो इनके हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं। मतलब अगर हाइट और लेंथ देखी जाए तो पटेरी बकरों ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर वेट गेन करने में देखा जाए तो वेट ज़्यादा अच्छे गुलाबी बकरे करते हैं। बात है पालने वाले की इसमें, वैसे अगर पालने वाला अच्छा है तो बकरा वेट गेन करेगा, अगर नहीं अच्छा तो बकरा वेट गेन नहीं करेगा। खुदा ना खासा कभी ऐसा भी आता है जब हम अच्छा भी पाल लेते हैं अचानक से तबीयत ख़राब होती है, बकरा ऐसा जानवर है जो एक हफ्ते में अंदर हो जाता है, एक हफ्ते में मतलब उसका वजन जो है टूट जाता है, तो बड़ी मेहनत ज़ाया होती है बकरे पालने वालों की इसमें। तो जो बकरा पालता है तो सबको ही पता होगा ये बात, तो कि अगर बकरे जब बीमार होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इसमें तो हम कंपेरिजन जो है ज़्यादा कर सकते हैं कि वेट, क्योंकि एक जैसी ब्रीड होती है दोनों बकरों की, लेकिन पटेरी बकरे जो होते हैं थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं अगर आपने देखे हों, मंडियों में भी आपने देखे होंगे, और पटेरी ब्रीड है बहुत ज़्यादा,
सही है, गुलाबी ब्रीड कम है कि रेयर है, थोड़ी कम मिलती है, और जो मिलती है तो बहुत महंगी है। पटेरी ब्रीड एक्सपेंस में देखा जाए तो गुलाबी के मुकाबले में कम है, क्योंकि गुलाबी ब्रीड जो है एक्सपेंसिव है। इस वक्त उसका एक बच्चा भी जो है ओरिजिनल गुलाबी बकरे का है, अगर प्योर आप देखते हैं तो नॉर्मल सा बच्चा भी 40-50 हज़ार रुपये का मिलता है, जबकि पटेरी का बच्चा आपको आराम से मिल जाएगा 12-13 हज़ार 15 हज़ार में। थोड़ा बड़े पे आ जाएँ, दो दांत पे आ जाए तो गुलाबी आपको 60-70 हज़ार का अच्छी नस्ल का गुलाबी मिल जाएगा, जबकि पटेरी आपको 30-40 हज़ार का मिल जाएगा। ये बात कर रहा हूँ ब्रीडर बकरों की, खस्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुर्बानी में इस्तेमाल होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कुर्बानी में भी क्या है, कुर्बानी में भी यही है, सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है हमारे कराची में जो होती है वो होती है गुलाबी बकरे की डिमांड, सही है। अच्छा, पटेरी की कम होती है, उसके बाद जो आप आ जाएँ तो फिर पटेरी की होती है डिमांड, क्योंकि हमारे पास यहाँ ज़्यादातर ब्रीड जो है मक्का चीनी या इस तरह की डिमांड, पीटल की डिमांड, मक्का चीनी की डिमांड, राजनपुरी की डिमांड, ये इससे लेवल में कम है लोगों के, क्योंकि कराची वालों के दिमाग में, दोस्तों मैं बता दूँ, पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे देखते हैं, इंडिया में भी लोग मुझे देखते हैं, पूरी दुनिया में, तो कराची में जो लोग रहते हैं ना उनके शौक है कान लंबे होने चाहिए बकरों के, बकरा कैसा भी हो, तो ये तो इस चक्कर में कुछ बेचारे दो नंबर ब्रीड भी खरीद के लिए आते हैं, वो क्रॉस लगे हुए होते हैं, कान लंबे होते हैं उनके, जब बड़े होते हैं तो इतना कद उनका छोटा रह जाता है, फिर बोलते हैं यार हाइट कैसे बढ़ाए, तो ये भी थोड़ा इशू है। बाकी इन दोनों ब्रीड्स का कंपेरिजन हमने कर लिया है, तो देखते हैं आज विनर कौन है इन दोनों ब्रीड्स का। दोस्तों मेरे हिसाब से जो आज की विनर है वो आसानी आप लोग भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूँ कि गुलाबी बकरा आज का विनर है। तो आप ये देखना है हमने कि आप लोगों का क्या राय है, अगर मैं जो बातें बता रहा हूँ आप लोगों को सही लगती हैं तो कमेंट में बताएं, गलत लगती हैं तो कमेंट में बताएं, ताकि मैं भी अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकूं। तो हो सकता है मैं कुछ गलत बात कह रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा कुछ पता हो, मुझसे ज़्यादा पता हो, तो आप लोग भी शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, और मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेहतर था। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, मैं हूँ आपके हैदर, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अल्लाह हाफिज़।